अस्सलामुअलैकुम। आज इस बार बरोज 31 जुलाई आज हमारा प्रोग्राम है एक्टिविटी करने का। ये जामा मस्जिद हनफिया का रास्ता है, मेन रास्ता है जामा मस्जिद हनफिया, जो कि बेग साहब को मौजूद है, जहाँ की सफाई को योगदान है किसी जगह। तो आज मैं अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह इस जगह को बिल्कुल क्लियर करूँगा। स्वीपर भी आ गया, मेरे कारकुन भी इसके साथ हेल्प आउट करेंगे, और जितना भी गंदगी का पानी है आज इसको क्लियर करेंगे। कौशल न्याजी कॉलोनी वार्ड 1 सईद उमर यतीमों गरीबों फकीरों की खिदमत, ये कमजोर बेबस मरीजों की खिदमत, ये आफत ज़दा बेसहारों की खिदमत, ये खलके खुदा की ये प्यारों की खिदमत, ये छोटे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत। मैं सईद उमर, यूसनेट अलफला वार्ड 1 कौशल न्याजी कॉलोनी। सुबह 11 बजे हमने यहाँ पर एक सीवरेज का काम शुरू किया, मैंने अपनी टीम के साथ, अलहमदिल्ला सारे लड़के मेरे मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जामा मस्जिद हनफिया का मेन रास्ता है, जो कि पिछले गुज़श्ता 4 माह से ये मसलसल जो है ना गटर लाइन बंद थी, और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद ही खुल नहीं सकी। हमने सुबह अज़म किया आज मोरखा 31 जुलाई को, और ये काम हमने कर दिया। ये असलम चाचा आपको बैक साइड में मेरी नज़र आ रहे हैं, ये गुज़श्ता 35 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं, 35 साल से दुकान चला रहे हैं सब्जी की। इस सीवरेज लाइन की वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका था, यानी जो डेली अगर मैं कहूँ कि 10-12 हज़ार की जो सेल होती थी वो 2 हज़ार रुपये आ गई थी। तो हमें इनका भी ख्याल था, मस्जिद का भी ख्याल था, सब मोहल्ले का भी ख्याल था, जो लोगों की परेशानी, हमने अज़म किया। ये एक बहुत मुश्किल टारगेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है, ख़ासकर रियाज अली भाई, अदील भाई और मेरे जितने भी कारकुन हैं सब मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमने नीट क्लीन कर दिया, जड़ से इसका खात्मा कर दिया, अलहमदिल्ला ये मामला देख लिया। असलम भाई कुछ कहेंगे आप? जी, मेरी 10-12 साल की सेल थी, इसकी वजह से मेरी सेल 2 हज़ार रह गई थी। जमात इस्लामी शुक्रिया, जमात इस्लामी जिंदाबाद। ये शेर आलम भाई है, बताएं आपको नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही? बड़ी परेशानी थी यार, जमात इस्लामी अल्लाह करे उनका इंतजाम कर लिया। ये अब इससे मुतमईन है जो लड़कों ने काम किया जमात इस्लामी से? तो आपको मस्जिद का रास्ता क्लियर हो? बहुत बहुत शुक्रिया।